गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिव गर्ल। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल अल्फा क्लासेस बाय शिव गर्ल इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लॉकडाउन कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 8, इट इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव के मैं एप्लीकेशन पढ़ रही हूँ कि क्या क्या योग्यताएँ हैं, उपयोगिता है, वो पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव आना चाहिए, जो हम 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो कॉनिक सेक्शन के, हमारे पास जो ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, और भी हो सकते हैं फॉर्मूला। सरफेस एरिया का हो सकता है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस बोल देते हैं उसको, या पेरीमीटर बोल देते हैं। सर्कल क्या है, 2πr। अच्छा, एक इसमें हमारे पास बार बार में टर्म्स आएंगे, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज गिवन बाय दिस, ऐसे है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ऐसे कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो रेट, रेट का मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू। कई बार तो रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में हो, कई बार वैसे रेट टाइम के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, फिर भी मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, वाई का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, कि y किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, dx by dt। ठीक है, ये क्या होगा हमारा रेट ऑफ चेंज। जैसे और जैसे कई बार हमारा हमें ये मिलेगा, तो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो, ये क्या चीज है, ये इसकी वैल्यू क्या है। मान लो रेडियस को हमने r से डिनोट कर दिया, क्या कर दिया, r से, तो यह है dr by dt। क्यों, कैसे पता चला हमें dr by dt है, क्योंकि देखो ऊपर क्या है, रेडियस, तो रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, अपॉन नीचे क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। और हमें दे रखा था सेंटीमीटर अपॉन पर सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर तो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस है, और नीचे क्या है, यहाँ पे टाइम, तो टाइम पीरियड क्या होती है, सेकंड। जैसे मान लो ऐसे नहीं करता, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, एरिया का जितना हुआ, इसका मतलब ये है डी ए बाई डी टी, ये क्या है, डी ए बाई डी टी, ऊपर तो एरिया है ये रहा, और अपोन अपोन क्या नीचे सेकंड है। तो आपको पहचानना होगा कि किसकी यूनिट क्या दे रखी है, ठीक है भाई। और आपको पता ही है वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसकी यूनिट क्या होगी, या तो मीटर क्यूब होगी, है ना, या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वेयर या सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऐसे ठीक है, लेंथ का सिंपली सेंटीमीटर और मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, वो आपको पता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पढ़ दिया कि डी वी बाई डी टी, वेर वी इज वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू टी, और इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको एस्केलेशन, क्या बोलते हैं, इसको एस्केलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना। तो ऐसे आप कर लोगे, तो हम सीधे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज, 8.1, एक्सरसाइज 8.1, है ना। ये पूरा अब ये समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आ चुका है अपना, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, 10th, 11th, है ना, यही हमारे पास जो है मेन, यही है कंप्लीट पार्ट बोलते हैं इसको। 6th आ गया, जिसमें 7th आ गया, 8th आ गया, है ना, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये कंप्लीट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केमिस्ट्री के, इसमें कैलकुलेशन, साइंस में डेरिवेशन, साइंस में इंटीग्रेशन, सारे हमारे पास क्या है, इसमें इसी मैथ पे डिपेंड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है भाई, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है किस रेस्पेक्ट में, रेडियस के, तो क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर निकालना है, क्या निकालना है भाई, डी ए बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, बता दिया सीधा, बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है। ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, तो रेडियस दे रखी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी इसने, आर यूनिट्स, जैसे यहाँ पर आर क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट्स लिखते कुछ भी। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस, हाउ फास्ट
इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, देखो एरिया चेंज हो रहा है चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसमें क्या निकलता है डेरिवेटिव निकलता है। अगर इंक्रीज हो तो क्या आता है प्लस का साइन, और डिक्रीज हो तो क्या आता है माइनस का। जैसे मैं कहूँ मान लो डी ए अकून डी आर है नेगेटिव आ गया, आंसर क्या आ गया नेगेटिव, इसका मतलब ये थोड़ी वो नेगेटिव हो गया वो, नहीं भाई क्वांटिटी जैसे मान लो नेगेटिव नेगेटिव 5 सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है एरिया है स्क्वेयर और रेडियस की यूनिट क्या सेंटीमीटर, ये आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी माइनस 5 है भाई, एल्टीट्यूड मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 ही है, पर ये माइनस क्यों आया क्योंकि वो क्या हो रहा है डिक्रीज, डिक्रीज किसको सिंबल, अगर मेरा डेरिवेटिव माइनस में आता है इसका मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है डिक्रीज, अगर डेरिवेटिव प्लस में आता है इसका मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है इंक्रीज, ठीक है तो ये चेंज हो रहा है। When radius is 3, radius क्या दे रखी 3, तो ये जो radius 3 दे रखी है ये बाद में put करेंगे हम, क्या करेंगे हम बाद में put करेंगे, पहले इस dA by dr निकालना है। तो area क्या होता है circle का pi r square, क्या होता है भाई pi r square, हमें क्या चाहिए dA by dr, तो differentiating equation 1 with respect to r, किसके respect में derivative करेंगे इसका r के, तो a का derivative क्या हो जाएगा dA by dr पाई एच डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r, और r का क्या होता है r के रेस्पेक्ट में, ये आ गया अपना आंसर क्या आ गया 2πr। यूनिट लगाना नहीं भूले, एरिया की यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इसे काट भी सकते हो पर ऐसे ही रहने दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ये क्या आ गया 2πr आंसर आ गया। अब कहेंगे जब रेडियस 3 हो तो लिख दो व्हेन r इज 3, बाद में पुट करेंगे हम r इज 3, तो dA / dr कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या आ गया भाई हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट, हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आज हम सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड का सेकेंड पार्ट कर देते हैं, सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे हम। ये कह रहा है भाई ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, तो बैलून का शेप दे दिया उन्होंने, क्या स्फेरिकल शेप है भाई, स्फीयर है, क्या है स्फीयर, ठीक है भाई ओके। हैज ए वेरिएबल डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ बैलून स्फेरिकल बैलून कितना दे रखा है भाई 3 बाई 2 इंटू 2x प्लस 3। डिटरमाइन दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स मतलब ये जो भी है ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज, तो डेरिवेटिव है किसका वॉल्यूम का, किसके रेस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वी बाई डी समय सबसे पहले क्या चाहिएगा वॉल्यूम चाहिएगा, क्या चाहिएगा हमें वॉल्यूम, तो देखो रेडियस कितनी हो जाएगी बैलून की, अगर डायमीटर की है तो रेडियस क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू 2x प्लस 3 जो भी हम मान लेते हैं सेंटीमीटर, इसमें देने रखा सेंटीमीटर मीटर जो भी है तो हम मान लेते हैं, ठीक है भाई। ये डायमीटर हमने क्या बना दिया इसका रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होता है आपको फॉर्मूला आने चाहिए सारे, ये कह रहा है स्फेरिकल बैलून इज सपोज टू बी ऑफ स्फेरिकल साइज स्फेरिकल शेप, तो इसकी शेप कैसे स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, एक अपने पेज में सारे फॉर्मूले लिख लेंगे स्फीयर के भी है ना, हेमी स्फीयर के भी, सर्कल के भी, और भाई ये स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगल हो जाएगा, कोन हो जाएगा है ना, सब के फॉर्मूले आप लिख लो सिलेंडर के भी, तो हमें चाहिए डी वी बाई डी एक्स, तो क्या चाहिए हमें डी वी बाई डी एक्स, ठीक है भाई। तो करो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना भाई, तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv by x के रेस्पेक्ट में dv by dx 4/3 pi, अभी r क्यूब है x के रेस्पेक्ट में, पहले r का करेंगे r के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3r square, अब जो r बच गया उसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे dr by dx, पर हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू नहीं है dr by dx नहीं, देखो ये r है, ये क्या है भाई r, तो r is equal to 3/4 into 2x plus 3, इक्वेशन नंबर क्या नाम देते इसको 2। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे dr by dx, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, v कैट x के रेस्पेक्ट में कर दो भाई डेरिवेटिव, तो हो जाएगा dr by dx, dr by dx 3/4 as it is, क्योंकि कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0, और वैसे बाहर हो तो उसको बाहर कर दो, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, और प्लस 3 का क्या हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया
टू जा तो आ गया 3/2, क्या आ गया भाई ये 3/2। अगर यूनिट लगाना चाहो लगा ले, रेडियस यूनिट क्या मानी हमने सेंटीमीटर, और एक्स ये भी क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है ये जो भी है, तो इसको 3/2 ही लिख देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4/3π3, आर की जगह आर, आर की जगह क्या आएगा भाई आर, डी आर बाई डी एक्स इसकी इसका दे रखा ना क्या 3/2, क्या भाई 3/2, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करते भाई ये हो गया, ये तो हो गया, ये होगा 2 से क्या आ गया भाई ये, तो ये आ गया हमारे पास 6r², क्या आ गया भाई 6r² 6r², तो 8.1 का हमारा रेडियस दे रखी है ये भाई। ठीक है, तो हमें निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आर क्यूब है तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम आर, आर तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये इसको आप स्किप कर देना, इसको आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये सही है, ये ठीक है। ठीक है, अब कैसे करोगे आप, इसको ऐसे कर देना v इज इक्वल टू 4/3π, r की वैल्यू लिख दो, r क्यूब, r क्यूब क्या हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू 2x+3 का क्यूब। हाँ अब सही है, ठीक है अब सही है बिल्कुल, v इंटू 4/3π r³, r की क्यूब की हमने वैल्यू रखी। अब निकालना हमें dv बाई dx, सब कर दो इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv बाई dx, तो कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लो होगा 4/3, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 इंटू क्या हो जाएगा पाई, ये तो है 2x+3 का डेरिवेटिव, 3 आ जाएगा पावर आगे, पावर में से गया इसका स्क्वायर, और 2x+3 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा भाई जो कटता है वो कैंसिल करके 2, 3 से क्या कैंसिल हो गया 3, 2 से क्या आ गया हमारे पास ये 32, और ये 4 से क्या आ गया 8। तो मेरे पास आंसर क्या है, मेरा dv by dx आ गया मेरे पास, dv by dx का आंसर आ गया मेरे पास 27/π अपॉन 8 2x+3 का स्क्वायर। अगर यूनिट लगाना चाहो लगा सकते हो, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में, और इसको हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोलो को जाओ तो नहीं है भाई, डायमीटर देखकर मैंने रेडियस निकाल ली। अब ये पूछ रहा डी वी बाई डी एक्स, एक्स में चेंज करो, रेडियस ये है आर, तो आर की वैल्यू जब भी मेरे पास आया मैंने क्या रखा इसका डेरिवेटिव सिंपली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वी और एक्स में था, हमने क्या निकाल लिया डी वी बाई डी एक्स, हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या दे रखा है, ये डेरिवेटिव दे रखा है, या तो किसी के रेस्पेक्ट में दे रखा है, इंक्रीजिंग है तो मतलब पॉजिटिव है, अगर डिक्रीजिंग होता है क्या करते हैं हम नेगेटिव। रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 cm/s, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या दे रखा है भाई प्लस है, इसलिए हम प्लस लेंगे इंक्रीजिंग है तो, और डिक्रीजिंग क्या लेंगे माइनस, क्योंकि 10 cm/s, 10 cm/s इसका मतलब क्या दे रखा है, ये रेडियस मान लिया आर, तो दे रखा है डी आर आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या रखा है 10 cm/s, डी आर बाई डी टी दे दिया, हो गया। नेक्स्ट करते हैं, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने ए कह दिया, रेट पूछा है मतलब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेट रेट वहां पर रेट का मतलब टी था, यहाँ पे क्या होगा रेट का मतलब टी होगा, अगर कहे कि इसके रेस्पेक्ट में बताओ तो अलग बात है, तो फिर क्या लेंगे हम, अगर टी का जिक्र है तो टी के लेंगे, आर का जिक्र है तो आर को, एट व्हाट रेट द एरिया इज सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 cm, रेडियस क्या है भाई 15 cm है, रेडियस लेंगे बाद में। अब हम यहां से शुरू करते हैं, एरिया
एरिया क्या होता है भाई? अच्छा ये क्या है, थर्ड में रेडियस ऑफ बैलून, बैलून बैलून का शेप क्या होता है, स्फेरिकल में क्या होता है, एरिया क्या होता है, 4πr² क्या हो जाएगा, 4πr² डिफरेंशिएटिंग कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, पी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें dA/dt चाहिए, वी हैव, तो एरिया क्या हो जाएगा dA/dt, 4π का कांस्टेंट बार, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r, और आर क्या हो जाएगा dr/dt, आर क्या हो जाएगा dr/dt, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ध्यान से देखेंगे, ये आ गया मेरे पास dA/dt इज इक्वल टू क्या होगा 8πr dr/dt, 8πr dr/dt। अब मेरे पास ध्यान से सुनो, देखो 8π आर के लिए रखे इसने, बाद में देखना 15, और dr/dt की वैल्यू इसने कितने रखे 10, कितने रखे है भाई 10, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 1200π एरिया, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हर अपॉन सेंटीमीटर, तो dA/dt मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 1200π सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट लगा लिया, टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पे सेकंड, टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पे सेकंड, यही पूछा है dA/dt पूछा है, इसमें क्या पूछा है dA/dt, dA/dt 1200π सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस है, हो गया भाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो ठीक, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस इसमें लैंग्वेज को समझना होता है कि लैंग्वेज क्या दे रखी है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आसान है, आप कर लोगे इसमें। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s, ये फिर वही है, आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 cm/s per second, तो radius दे रखी है, तो ये होगा dr/dt, dr/, तो radius का rate of change दे रखा है, with respect to time नहीं बोला इसने, पर last में दे रहे centimeter per second, तो क्या लीजिए time है 0.02 cm/s, 0.02 cm/s। At what rate is the surface area? Surface area. Surface area को पहले लिखोगे आप, let A denote the area of the जो भी है sphere area जो भी है, dA/dt पूछा है, ठीक है। When the radius is, radius कितनी है भाई? 4 cm, radius कितनी है? 4 cm। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन होगा सेम, ठीक है। आप क्या करोगे, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² सिंपल, तो dA/dt क्या निकाल दोगे आप, डिक्टी, तो क्या हो जाएगा 4πr² का हो जाएगा 2r, और आर क्या हो जाएगा dr/dt, dr/dt क्या पे वैल्यू रख दोगे, और लास्ट में किसकी वैल्यू रख दोगे, आर के, हमारा क्या जाएगा, हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट के दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तो सारे ऐसे ही है, ठीक है, कर लोगे आप। नेक्स्ट करते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 8 दे रखे हैं इसमें, ध्यान से देखना, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, रेडियस ऑफ द सर्कल तो dr/dt है, क्यों है dt, देखो इसमें दे रखा है, मैं लिखता हूँ फिर बताना आप, 0.7 cm/s, 0.7 cm/s, ये तो होगा रेडियस, टी क्यों, क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को क्या बोलूं मैं, पी बोल देता हूँ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, रेट मतलब डेरिवेटिव है, टी का जिक्र चल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में होगी, पी मतलब आप लिखोगे लेट पी डिनोट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या सी डिनोट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या पी कह दो या सी कह दो, आपको मन करे वो कह दो सर्कमफेरेंस को। अब मेन बात यह है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है भाई 2πr, देखो टी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू टी, वी हैव P के रेस्पेक्ट में क्या करते हो इसका डेरिवेटिव, तो P का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dP/dt, क्या हो जाएगा dP/dt, ये हो जाएगा 2π, और आगे क्या हो जाएगा dr/dt, dr/dt 2π, ये तो कांस्टेंट है 2π, π को भी रखो रख सकते हो, कोई जरूरी है नहीं,
और ये होगा 0.7, क्या हो गया भाई 0.7, तो ये हो जाएगा 1.4 पाई, और पाई की वैल्यू खुद रख भी सकते हो, 22/7, 22/7 हो जाएगा, 7 × 14 ये हो जाएगा 4.4, हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया हमारा आंसर, क्या गया हमारा ये आंसर आ गया 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, कोई डाउट हो तो बताओ। अब आप कहोगे कभी पाई की वैल्यू कब देते हो, कभी मतलब ये भी कर सकते हो आप 1.4 पाई, बिल्कुल सही है, मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पे 14 बन रहा था, इसलिए मैंने मुझे पता था कि 22 ये 7 से कटने वाला है, ये डिवाइड होने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, ना रखो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लेना क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है, इसमें यहाँ हो सकते हैं क्वेश्चन की सीक्वेंस बदल सकते हैं, इसलिए मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। दी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे ऐसे दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर ऊपर तो होगा वॉल्यूम, नीचे क्या आएगा टाइम, क्योंकि ऊपर तो सेंटीमीटर, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह उसमें यूनिट वगैरह का सारा ही डायमेंशन, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इंक्रीजिंग 20, कितना रखा भैया 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया या सरफेस एरिया, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ या एस नाम दे दो आप, एक ही बात है, डी ए बाई डी टी, ठीक है। एट द इंस्टेंस व्हेन रेडियस इज 8, रेडियस कितनी रखी इसने 8 सेंटीमीटर, बाद में क्या रखी भाई बाद। अब देखो ध्यान से, एक तो वॉल्यूम यूज हुई है, अरे क्या है एरिया, अब ध्यान से बताओ मेरे को वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अरे क्या हमारे पास स्फीयर है, क्या है ये है हमारे पास भाई स्फीयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³, 4/3 πr³, तो वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग क्यों, क्योंकि वी नहीं दे रखी, डीवी बाई डी टी दे रखा है, वन विद रेस्पेक्ट टू टी वी है, टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो, तो वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डीवी बाई डी टी, क्या हो जाएगा डीवी बाई डी टी, हो जाएगा 4/3 πr³, और आर क्यूब का पहले आर के रेस्पेक्ट में करो होगा 3r², पर हमें करना है टी के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा आर का करेंगे डी आर बाई डी टी, क्या जाएगा भाई डी आर बाई डी टी, हो गया, तो कितना आ गया भाई ये देखना, 3 से 3 कैंसिल, डीवी बाई डी टी, अच्छा डीवी बाई डी टी कितना रखा है 20, कितना रखा है भाई 20, और ये आ गया अपने पास 4πr² डी आर बाई डी टी, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे भाई डी आर बाई डी टी की, तो 20/4πr² ये आ जाएगा 5/5 πr², जिसकी वैल्यू आ गई डी आर बाई डी टी, अगर इसकी यूनिट चाहो तो आप हो सकती है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है डी आर की मतलब रेडियस है, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, इस वोल्ट लिख लेना, अगर यूनिट लिखना चाहो तो ये बात है, क्या यूनिट इसकी कोई पूछो कि क्या है इसकी यूनिट, तो आ जाएगी 5/5 πr², ठीक है भाई, और डी आर बाई डी टी लास्ट में आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो गया भाई, जो ये अपने पास आ गया, जैसे ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाओ स्पेस पे पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², क्या होता है भाई 4πr², तो इसका भी डायरेक्टिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, 4πr² का डायरेक्टिव क्या हो जाएगा 2r, और आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है भाई 4π × 2r इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी 5/5 πr² 5/5 πr² पाई से क्या हो गया भाई पाई कैंसिल, हो गया आर से क्या हो गया भाई आर कैंसिल, तो ये आ गया 40, ये आ गया 40/r, और आर की वैल्यू कितनी रखी इसने 8, तो 40/r 8, तो क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, हो गया, यूनिट लगाना ना भूले, एरिया है इसलिए क्या आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम है इसलिए क्या आ गया यहाँ पे सेकंड, तो आ जाएगा 5 cm² per second, 5 cm² per second, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल आसान था, एक तो डी वी बाई डी टी दे रखा था, वहाँ से हमने डी आर बाई डी टी निकाल दिया,
और हम फिर क्या निकाल दिया dA by dt है ना। दो एक एक दो हमें दिए हुए मिलेंगे, एक दूसरे से हम चीजें रिड्यूस कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं कि वहां से r की वैल्यू या किसी की वैल्यू कोई हम चाहिए वो निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या कह रहा है भाई। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब क्यूब है ठीक है, क्यूब का एज होता है तो क्यूब में एल बी एच सारी बराबर होती है। तो एल मान लेते हैं, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं मान लेता हूँ लेट एज ऑफ क्यूब, वन साइड ऑफ द क्यूब की बात है, एक्स सेंटीमीटर मानने वाले, क्या मान लिया भाई, एक्स सेंटीमीटर। अच्छा, एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या दे रखा है ये, ये दे रखा है डी एक्स बाई डी टी दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, डी एक्स बाई डी टी। क्यों, एज एक्स है, एज मतलब है किस रेस्पेक्ट में टाइम, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसने दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी पक्की बात है, ऊपर तो है एज मतलब एक्स और नीचे क्या है टाइम, हो गया भाई ठीक है। बस ये चीज देखनी होती है कि क्या लिखे यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी लिखे क्या लिखे हम, है ना। कोई एज को आर मानता है डी आर बाई डी टी, कोई एज को ई मानता है डी बाई डी टी, कुछ भी मान लो आपका मन करे वो ठीक है भाई। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हाउ फास्ट मतलब इंक्रीज या डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो इंक्रीज हो रही है तो मतलब या डिक्रीज हो रही है, तो ये निकालना है। और व्हेन एज एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर, ये जो जो ये जो देता है ना, ये लास्ट में लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए किसका, क्यूब का। और हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था साइड इंटू साइड इंटू साइड, या एज का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो गया। तो इसका डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो कई बच्चे पूछेंगे जी एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी था, ये पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब मुझे वॉल्यूम है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है, और एक्स के मैंने कहा था जो पहले दे रखा हो उसी के रेस्पेक्ट में हम चलते जाएंगे, या तो वो बताए कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, या फिर हम खुद अपने मन से अगर टी में चल रहा था किस में करेंगे, हम टी में क्या करेंगे ये कैलकुलेट करेंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डी वी बाय डी टी, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बाय डी टी, 3x² इंटू डी एक्स बाय डी टी हो गया भाई। तो इसमें क्या आएगा भाई ये बताओ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x² डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या रखिए 3, तो हो जाएगा 9x² 9x² और ये वॉल्यूम है ऊपर तो सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड, पर हो गया। पर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी है लिख दो, व्हेन x इज इक्वल टू 10 तो dv by dt की वैल्यू क्या होगी, x के 10 रख दो, 10 100 इंटू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया भैया। नेक्स्ट करते हैं।